उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें, पुलिस ने पिस्टलों की बाहर सप्लाई करके ऊंचे दामों में विक्रय कर लाभार्जित करने में एक गिरोह सक्रिय होने की बदायूं पुलिस को सूचना मिल रही थी। इसी आधार पर बदायूं एसएसपी ने एक पुलिस टीम गठित की। अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं क्षेत्राधिकारी समेत कई आला अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर जवाहरपुरी में स्थित इकलाश के रोजा में अवैध रूप से अवैध शस्त्रों की खरीद बेच के संबंध में 9 व्यक्तियों को अवैध पिस्टल व कारतूस, मोबाइल और नगद रुपए के साथ मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन पिस्टलों को स्थानीय स्तर पर जनपद के ही एक व्यक्ति उपलब्ध करवा कर देता था, जिन्हें ये गिरोह 30% तक लाभ लेकर ग्राहक तलाश कर बेचते थे। बाहर से पिस्तौलों की खेप आने पर हमको सूचना देता था, तभी हम लोग पिस्टल लेने आते थे। स्थान और समय भी तय होता था, जबकि इन सबका मास्टरमाइंड फरार होने में कामयाब बताया जा रहा है। आपको बता दें, ये सभी बहुत ही कुख्यात किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर इसमें लिप्त और लोगों की गिरफ्तारी करेगी।